जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरा ड्रायर हो रहा है, मेरे बाल ड्रायर नहीं हो, ड्रायर के बाद होगा स्ट्रेट और सुकून मिल गया डाई करवा के। ये देख सकते हैं आप बाल मेरे ड्रायर हो रहे हैं, ड्रायर के बाद मेरे बाल स्ट्रेट होंगे, सीरम लगेगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा फाइनल लुक दिखाऊँगा। अच्छा फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरे हाफ बाल हाफ हेयर्स हो चुके हैं, स्ट्रेट हाफ रह गए हैं, और कैसे लग रहे हैं जब फुली स्ट्रेट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कितना कितनी पीसफुली बंदी लेटी हुई है, इसको देख के मुझे भी नींद आ रही है। तो चलिए मैं फाइनली हाफ हेयर जो मेरे रह गए हैं ये मैं करवा के स्ट्रेट पर आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा तो फाइनली मेरे हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये शाइनी हो रहे हैं मेरे बाल मज़े के। और मैंने डाई करवाया है बरगंडी डाई, और मैंने कंडीशनर के बाद इसको वॉश करवाया। मुझे अपना हेयर कट इतने मज़े का नहीं लग रहा, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं लिया हेयर कट, मैंने पहले से लिया हुआ था। और अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है वो भी आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। हाँ अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है विज़िट करना है तो मैं आप लोगों को पार्लर का सैलून का नाम बता देती हूँ, विज़िट भी करवा देती हूँ एक क्लिप बना के। और अगर आप लोग मेरे लिंक से मेरे रेफरेंस से इधर आएंगे तो आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलेगा, और ऑनर है नीलम मैं उससे भी आपको मिलवाती हूँ। फाइनली मज़े हो रहे हैं मेरे बाल, थोड़े से इसको और नीट करेंगे उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ, पार्लर भी विज़िट करवाती हूँ जब तक आपने वीडियो एंड तक देखी है। ओके जी, तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट हो चुके हैं, और अब मैं जाऊंगी घर। हमदान को मैंने छोड़ा हुआ है घर पे, तो आप लोग मेरा लुक देख सकते हैं फाइनली। और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं डर्मा सैलून, तो ये है गुलिस्तानी जो ब्लॉक 17 में, और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को दे दूँगी। और ये पीछे समोसा थूर रही है बैठ के, और हम लोग थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ सैलून का। बहुत अच्छा यहाँ पे सर्विसेज है, प्लीज़ आइए और विज़िट कीजिए, मज़े मज़े के पैकेजेस होते हैं उनके पास, आइए इनसे सर्विसेज लीजिए। और मुझे मैं तो टोटली सेटिस्फाइड हूँ, तो मज़े के मेरे पास, तो मैं भी आपको विज़िट करवाती हूँ सैलून। ये आप लोग देख सकते हैं ये है फैशियल यूनिट स्पा, और यहाँ जब आप आएंगे तो ये भी, खैर ये मेरा बैग रखा हुआ है। ये है वॉशिंग यूनिट, ये सारा वॉशिंग यूनिट है, और कलर यूनिट बाहर है, वहाँ पे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं तो वो मैं आप लोग ज़्यादा विज़िट नहीं करा सकती। तो ये वॉशिंग यूनिट है, ठीक है, और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग भी अगर इधर आना चाहते हैं तो ये है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में, डर्मा ब्यूटी सैलून के नाम से, और इनकी ऑनर है नीलम। और अगर मेरे रेफरेंस से कोई भी आना चाहता है तो आपको स्पेशली डिस्काउंट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे इनका। मैं निकल रही हूँ घर, घर जाके मुझे खाना बनाना है, मानो सफाई करेगी, और बस मैं घर जा रही हूँ। घर जाके मुझे हमदान को भी देखना है, उसके खाने पीने का देखना है, और बस अब मैं घर निकलूँगी, मुझे देर हो रही है, मैं इतनी देर हमदान को छोड़ती हूँ मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। तो मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ। मैं चने बॉयल करने के लिए रख कर आई थी, और बस जाके इंशाल्लाह मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मुझे कुछ नहीं आइडिया कि मैं उसका सालन बनाऊँगी या मैं राइस बनाऊँगी, जो जैसा मानना है। अब हम आपसे मिलते हैं घर जाके, तब तक के लिए दिखा देंगे मौसम के, हाँ मौसम दिखा देंगे। जी तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, स्वेटिंग देख सकते हैं आप, इतनी गर्मी मुझे लग रही है। अब बस मैं एंड करूँगी व्लॉग को, खाना बनाऊँगी हमदान का, मुझे खाना रेडी करना है, अपना खाना रेडी करना है, और बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा।
वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और जैसे कि मैंने बताया कि आज मैंने विज़िट किया था डर्मा सैलून जो कि गुलिस्तान जो है ब्लॉक 17 में है। नीलम उनकी ऑनर है, जिसको भी जाना है विज़िट करना है लाजमी विज़िट कीजिएगा। मैं उनके काम से सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा काम करती हैं, और मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देंगी। तो मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कीजिएगा। फजूल कॉमेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं किया करें, मैं इग्नोर कर देती हूँ। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं चाह रही हूँ खाना बनाने की, स्वेटिंग देखना मुझे कितनी ज़्यादा हो रही है, मैं आके फ्रेश भी नहीं हूँ। मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।